हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। देखिए आज मैं क्या काम कर रही हूँ दोस्तों, ऐसे तो एक दिन भी मुझे देखे नहीं होंगे आप लोग। क्योंकि आज हम लोग का गैस खत्म हो गया है तो लकड़ी से ही आज खाना बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं दोस्तों। इसको तोड़ पाऊंगी कि नहीं ना दोस्तों, हो खाना बनेगा। स्पेशल बनाना है दोस्तों, लकड़ी में बनाना है तो स्पेशल बनेगा। पंडरी है, इधर जरा धूप में रख देती हूँ दोस्तों, इसी से खाना बनेगा। अभी देखिए क्या बनाएंगे, वो भी लकड़ी में। तो चिकन ही बनाने से थोड़ा अच्छा टेस्ट लगता है दोस्तों, इसलिए सोच रहे हैं कि लकड़ी से चिकन बना देते हैं, भात और चिकन बना देते हैं। इतना लकड़ी में हो जाएगा और गैस आने का आज चांस नहीं है, देखते हैं। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। गोदाम में फ़ोन किए थे तो अभी तक आया नहीं है बोल के बोले। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम लोग का गैस ख़त्म हुआ था इसलिए तो अभी दीदी लकड़ी भी तोड़ी थी, वहाँ पर था, उतने में ही एडजस्ट कर रही है वो खाना बनाने के लिए। और देखिए अभी क्या बना रही है दीदी। देखिए तेल डाली है, उसमें जीरा लगा दी और यहाँ पर अभी ये लौंग पट्टा लगाई, लौंग और पट्टा दे दी। उसके बाद में अभी प्याज डालेगी दीदी। देखिए कैसे बना रही है, गैस ख़त्म होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी आएगा दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। देख लीजिए प्याज का अभी छनक लगा दी दीदी, अभी मिर्ची को भी डाल देगी साथ में ही। भूनने के बाद में फिर वो तेज का पत्ता को डालेगी दीदी। देखिए दोस्तों तेज का पत्ता में डालेंगे, चला रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग के पास में गैस का भी ख़त्म होगा तो यही प्रोसेस लगाइएगा। तो देखिए दीदी सारा मसाला वगैरह दे दी है, अच्छा से पूरा मसाला को भूनी है, एकदम कलर हो गया है, देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा तरीका से दीदी भून ली है, उसके बाद में अभी वो चिकन को डालेगी दीदी। फ्लेवर भी बहुत सुंदर आ रहा है दोस्तों, मुंह से पानी आ जा रहा है। देखिए दोस्तों ये क्या है, देखिए दोस्तों चिकन लेग पीस, हाफ के जी का है दोस्तों, हाफ के जी का बिरयानी बना रहे हैं दोस्तों हम लोग। देखिए सारा चिकन को दीदी डाल दी, बहुत अच्छा पीस बनाया, बहुत अच्छा पीस बिरयानी के लिए हम बोले तो आपने राजे से बना दिया है दोस्तों दुकान वाला। और लकड़ी का चूल्हा से बना रहे हैं तो बहुत ही उसका फ्लेवर बहुत ही टेस्ट आ रहा है दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि पिकनिक मना रहे हैं। अभी दीदी ढक्कन को ढक के फिर देखते हैं कितना देर तक भूनेगी उसका बाद में, और चावल सब डालेंगे उसको भी देखेंगे दोस्तों। आप लोग कैसे बिरयानी बनाते हैं बताइएगा, हम लोग तो सिंपल सा देसी स्टाइल में बना रहे हैं, देसी स्टाइल में, देसी स्टाइल में कर रहे हैं तो पूरा देसी स्टाइल में ही बनाएंगे बोल के दीदी बोली, इसलिए हम लोग देसी स्टाइल में बना रहे हैं दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, दीदी एकदम फूक फूक के जला रही है ताकि बिरयानी एकदम बहुत अच्छा लगे बोल के। एकदम चूल्हा का ये कढ़ाई का से भी ऊपर हो जा रहा है आग, बहुत अच्छा पक रहा है दोस्तों, इसका फ्लेवर ही इतना अच्छा आ रहा है दोस्तों। आज हम देखिए दोस्तों, लग रहा है कि कुछ अच्छा खाने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों, देखिए
अब इसको यही पकाएगी कि कैसे करेगी, तो भर गया ना, इसको कुकर में डालना है। देखिए दोस्तों कुकर वाला बिरयानी एक बार देख लीजिए, दीदी इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसको कुकर में डालेंगे बोल रही है। इसको कुकर में देखिए एक सीटी करके उतार देंगे। देखिए दोस्तों कलर तो इतना शानदार आया है, वाओ बिरयानी का बहुत ही टेस्टी। अभी दीदी कुकर में डालेगी दोस्तों, देखिए डी फॉर बसंती डी फॉर बिरयानी। देखिए दोस्तों दीदी यहाँ पर नारियल का पानी भी दे रही है, उसका फ्लेवर और अच्छा आता है। आप लोग का पास में होगा तो उसको भी दे सकते हैं। उसको देने के बाद में फिर अभी वो कुकर में देगी। दीदी बोल रही है जी बहुत ज़्यादा हो रहा है कुकर के लिए, तो इसको दो बार बनाएंगे बोल रही है। कुछ कढ़ाई में ही रहेगा, उसका बाद में कुकर में जितना उसको चाहिए उतना देगी दीदी। अब ये कढ़ाई भर गया है तो चावल पकने से तो पूरा फूल हो जाएगा दोस्तों, इसलिए वो आधा ही देगी, कितना देगी उसको देख लीजिए। हाँ उतना में ही हो जाएगा। देखो चिकन डाल रही है कि नहीं डाल रही है, नहीं तो ये से नहीं तो सारा चिकन को डाल दो ना, और यहाँ भले खाना को रहने दो, नहीं तो एक दो चिकन छोड़ दो बस हो गया, हो गया ना, ये हो गया। अभी वहाँ पर पानी डाल दो, उसके बाद में कुकर में ढक्कन लगा दो, इसको बाद में पकाएंगे। इसको ढक्कन लगा के इसको उतार दो, ढक्कन लगा दो उतर के। हाँ वहाँ पर ढक्कन लगा दे रही है दीदी, देखिए आग पूरा अच्छा तरीका से हो गया है। अभी यहाँ पर दीदी पानी डालेगी, ये तो नहीं आने हिला ढक्कन, जा तो बाबू ये कुकर का ढक्कन लेके आओ, ढक्कन दीदी भूल गई। हाँ हाँ हो जाएगा, देखिए ढक्कन लेके आ गए। अभी दीदी ढक्कन लगाएगी, जरा सा एक काम बाकी है दोस्तों, जरा सा नमक चख लेती हूँ। हाँ नमक चख लो, ठीक बोली है, हम भी बताने के लिए भूल जा रहे हैं दोस्तों। फ्लेवर इतना टेस्ट आ रहा है कि कब खाएंगे बोल के, क्या लगाए नहीं लगाए कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बैठी हुई हैं खाली में। इतना टेस्टी बना है दोस्तों, थोड़ा सा नमक ज़्यादा मत दे देना, नहीं तो टेस्टी टेस्टी करते करते सब फेस्टी कर देगी। बापरे बापरे इतना दे रहे हैं, मुझे तो डर मालूम हो रहा है। देखिए दोस्तों क्या डालना है, देखिए दोस्तों चिकन मसाला है कि गरम मसाला, चिकन मसाला डाल दे रही है दोस्तों। धनिया का पत्ता भी दीदी बोली थी लाने के लिए, लेकिन दुकान एक ही यहाँ पास में दुकान एक ही वहाँ खुला रहता है तो वो भी बंद हो गया था, इसलिए मैं लाने नहीं सकी। दो चीज़ का कमी रह गया है यहाँ, टमाटर का और धनिया पत्ता का, और पुदीना भी लाने बोली थी, तीन चीज़ का यहाँ कमी रह गया दोस्तों। और एक दिन अच्छा वाला बना, और एक दिन अच्छा से बनाएंगे, बारिश भी हो रही थी इसलिए हम और आगे दुकान नहीं गए दोस्तों। दीदी कुकर पूरा फिट कर दी फाइनली, अभी ये एक सीटी हो जाएगा तो दीदी इसको उतारेगी, उसके बाद में खाने में मिलते हैं दोस्तों।